हेलो एवरीवन, स्टार प्रेजेंट करते हैं न्यू स्प्लाइसिंग मशीन जो कि रिबन फाइबर स्प्लाइसिंग मशीन है, जिसका मॉडल है स्टार FFS R12000। ये पूरा इसका बॉक्स का सेटअप है। अब हम मशीन को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसके सारे एक्सेसरीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल सेटअप है मशीन का, मशीन अडैप्टर केवल एवरीथिंग आप इस तरीके से रख सकते हैं और कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट बॉक्स है, इजी टू कैरी है। सबसे पहले मशीन को निकालते हैं। मशीन आप देख सकते हैं ये टोटल ड्यूरेबल, लाइट वेट, हैवी ड्यूटी, इजी टू कैरी, इजी टू यूज है। मेटेलिक बॉडी है जिसपे कि रबर से प्रोटेक्शन दिया गया है। अब तो सबसे पहले हम एक्सेसरीज में देखते हैं इसकी बैटरी। ये बैटरी काफी पावरफुल है, 8400 mAh की बैटरी है, जिससे कि हम एक बार फुल चार्ज करके 350 प्लस स्प्लाइस एंड हीटिंग कर सकते हैं एक बार फुल चार्ज करके। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक बार फुल चार्ज कर लिया तो आप फिर कोई टेंशन नहीं, आप इजीली मशीन को यूज कर सकते हैं। फिर क्लीवर टोटल बॉक्स से प्रोटेक्टेड है। क्लीवर भी मेटलिक है, हाई प्रिसाइज क्लीवर है, वेरी इजी टू यूज है, डस्टबिन के साथ है। फिर आते हैं एडाप्टर, मशीन का एडाप्टर। ये मशीन का एडाप्टर है बैटरी को चार्ज करने के लिए। फिर स्ट्रिपर, हॉट जैकेट स्ट्रिपर। हॉट जैकेट स्ट्रिपर भी फ्रेंड्स मेटलिक है। इसमें दो बटन्स दिए हुए हैं, नीचे वाला बटन जो कि पावर ऑन ऑफ के लिए यूज होता है, और अब देखिए ऑन हो चुका है। ऊपर वाला जो बटन है इसके टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अभी हमने दूसरे पॉइंट पे रखा है, थर्ड फोर्थ, अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इस स्ट्रिपर में इनबिल्ट बैटरी दी हुई है, तो इसे हम कॉर्ड से भी कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं और बैटरी से भी, इसके इनबिल्ट बैटरी को भी हम यूज कर सकते हैं विदाउट चार्जिंग, हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर यह अडैप्टर है स्ट्रिपर को चार्ज करने के लिए। ये कॉर्ड है, ये USB केबल है मशीन को अपने डेस्कटॉप या सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, और हम मशीन के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, मशीन को अपडेट कर सकते हैं। ये DCC कॉर्ड है स्ट्रिपर को कनेक्ट करने के लिए, मशीन से बैटरी से कनेक्ट करके हम चला सकते हैं, चार्ज भी होगा और यूज भी कर सकते हैं साथ ही साथ। ये दूसरा कॉर्ड है DCC कॉर्ड भी है, ये हमारा यूज होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, अडैप्टर टू बैटरी, अडैप्टर से बैटरी को कनेक्ट करके चार्ज करने के लिए यूज करते हैं। फिर ये बेल्ट जो कि बॉक्स के दोनों साइड लगाते हैं, बहुत ही इजीली बॉक्स को मशीन को कैरी कर सकते हैं। डिस्पेंसर, अल्कोहल डिस्पेंसर, पावर कॉर्ड, कूलिंग ट्रे आफ्टर स्प्लाइसिंग एंड हीटिंग स्लीव को कूल करने के लिए, स्पेयर, ये फाइबर होल्डर्स। इस मशीन के साथ हम आपको 3 पेयर फाइबर होल्डर्स देते हैं, सिंगल का, 4 रिबन का एंड 8 रिबन का। 8 रिबन वाला होल्डर मशीन में लगा हुआ है ऑलरेडी। फिर ये हमारा स्पेयर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की भी लाइफ हमारे मशीन की काफी सही है, 2000 प्लस है। 2000 स्प्लाइस के बाद आपको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, तो एक और स्पेयर में दिया हुआ है, तो ओवरऑल 4000 स्प्लाइस तक आपको इलेक्ट्रोड खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप है विद बॉक्स विद एसेसरीज एंड एवरीथिंग, टोटल सेटअप है मशीन का, स्प्लाइसिंग मशीन का, रिबन स्प्लाइसिंग मशीन। तो अब हम इस पर स्प्लाइस करेंगे, तो फिर स्ट्रिपर, क्लीवर और स्प्लाइसिंग मशीन तीनों की हम चेक करेंगे क्वालिटी, किस तरीके से स्ट्रिपर स्ट्रिप करता है, क्लीवर और स्प्लाइसिंग मशीन के जरिए स्प्लाइस करता है। तो सबसे पहले हम
मशीन में बैटरी इंसर्ट करते हैं और मशीन को ऑन करते हैं। मशीन की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरा भारत के एटमॉस्फेयर को, इंडिया के एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इजीली यूज किया जा सकता है, डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, हैवी ड्यूटी है और काफ़ी प्रिसाइज है। लॉस इसका काफ़ी सही है मशीन का, तो जैसा कि अभी हम वीडियो में देखेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले हम फाइबर को लेते हैं। हम स्प्लाइस करते हैं, स्प्लाइस करके देखते हैं स्प्लाइस रिजल्ट क्या आता है। आप स्ट्रिपर में रखेंगे, जैसे आप स्ट्रिपर में फाइबर रख के आप प्रेस करेंगे तो स्ट्रिपर के टेम्परेचर की राइट रेड होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड है। जैसे हीटिंग कंप्लीट होगा तो ग्रीन हो जाएगी लाइट, देखिए ग्रीन हो गया, इट्स मीन हीटिंग कंप्लीट है। अब हम स्ट्रिप कर सकते हैं, तो प्रेस करके हल्के हाथ से हमें स्ट्रिप करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल क्लीन, नीट एंड क्लीन स्ट्रिपिंग है। हम इसे फाइबर अल्कोहल से क्लीन करेंगे, फिर हमारे क्लीवर से उसे क्लीप करेंगे। बहुत ही इजी वे है इसे यूज करने का, क्लीवर को भी आगे डस्टबिन दिया हुआ है। मशीन में रखते हैं और अब दूसरे तरफ के फाइबर को लेके हम स्ट्रिप करेंगे और उसे भी क्लीप करके फिर मशीन में रखेंगे। दूसरा फाइबर हमारा स्ट्रिप हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स काफी क्लीन, नीट एंड क्लीन स्ट्रिपिंग होती है इससे। अब हम इसे क्लीप करेंगे, आफ्टर क्लीपिंग फिर हम इसे मशीन में दूसरी तरफ रखेंगे। दोनों फाइबर्स, दोनों तरफ के लेफ्ट राइट फाइबर्स हमने रख दिया मशीन में। अब हम स्प्लाइस कर रहे हैं, ऑटो मोड ऑन है, मशीन दोनों तरफ से ऑपरेट हो सकती है, ऑटोमेटिक भी मैनुअल भी। ऑटोमेटिक ऑन है मोड अभी, तो आप देख सकते हैं प्रोसेस है पूरा स्प्लाइसिंग का आठ फाइबर को। अब आफ्टर स्प्लाइसिंग रिजल्ट आपके स्क्रीन पे है, लेफ्ट साइड में 1 to 8 पूरा लॉस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं लॉस इसका काफ़ी प्रिसाइज है, सिर्फ दो फाइबर में 0.01 आया है, जबकि एज यू नो वेरी वेल कि रिबन में 0.04 0.05 तक का स्टैंडर्ड लॉस होता है, बट ये आप देख सकते हैं लॉस 0.00 ही है, सिर्फ दो में 0.01 आया है। राइट साइड में जो क्लीव और लेफ्ट एल आर लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का कटिंग एंगल है, तो ये भी आप देख सकते हैं 0.6, 0.6, 0.2, 0.9, तो इस तरीके से काफ़ी प्रिसाइज क्लीविंग भी है। तो स्प्लाइस कंप्लीट है, स्प्लाइस में ज़रा भी लॉस नहीं है। अब हम स्लीव इंसर्ट करेंगे फाइबर में एक साइड से और हम हीट करके दिखाएंगे। केयरफुली हम फाइबर को रिमूव करते हैं होल्डर पैड से। फिर हीटर में रखते हैं, हीटर भी टोटल ऑटोमेटिक है, जैसे हमने रखा वैसी रेड लाइट ऑन हुई और हीटिंग स्टार्ट। आप देख सकते हैं मशीन के राइट साइड में हीटर का की है और ये एलईडी लाइट ऑन है इसकी। कंप्लीट होने के बाद बीप की आवाज़ आती है और हीटिंग कंप्लीट हो जाता है। केवल 10 सेकेंड स्प्लाइस टाइम है, 15 सेकेंड हीटिंग टाइम है, काफ़ी फास्ट है।
अगर हम कंपेयर करें अदर रिबन मशीन से तो आप देख सकते हैं हीटिंग कंप्लीट। इसके बाद हम कूलिंग ट्रे में रख देते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि इस मशीन को यूज़ करना, इसके एक्सेसरीज को यूज़ करना काफ़ी इजी है। ईजिली हम स्टिपर को यूज़ कर सकते हैं, क्लीवर को यूज़ कर सकते हैं और स्पेसिंग मशीन को भी। स्पेसिंग मशीन का जो स्पेस टाइम है केवल 10 सेकेंड और हीटिंग टाइम केवल 15 सेकेंड, जो कि काफ़ी फास्ट है विद द कंपेरिजन ऑफ अदर मशीन्स। और आप